राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के हैसियत से धरना प्रदर्शन का ऐलान करता हूं। संविधान का उल्लंघन करने के विरोध में भारत बंद होगा, तो इस भारत बंद में ये संविधान का विरोध हो रहा है, संविधान के विरोध में षड्यंत्र हो रहा है। तो दुर्गामणि त्रिपाठी है जो ब्राह्मण महासभा के नाम पर हमारे विरोध में निवेदन दिया है, ये मूल रूप से आरएसएस का आदमी है। उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों के द्वारा अर्थात बामसेब के द्वारा 21/8/22 को 37वां राज्य अधिवेशन संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो कि मौलिक अधिकार है उसको आधार बनाकर ले रहे थे, उसका विरोध आरएसएस की सरकार जिसे बीजेपी की कही जाती है उसकी पुलिस ने रद्द करने का नोटिस निकाला है। उस नोटिस को हम सार्वजनिक कर रहे हैं। इस नोटिस के द्वारा पुलिस ने आरएसएस के आदेश पर संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, अर्थात संविधान का उल्लंघन किया और उसके विरोध में, संविधान के विरोध में हम लोग सारे उत्तर प्रदेश में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के हैसियत से धरना प्रदर्शन का ऐलान करता हूं। पुलिस ने हमारे प्रमुख कार्यकर्ता माया शंकर कौशल और गौतम मनसोड़े और छेदी कोटे वाल्मीकि, ये जो हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसलिए सारे उत्तर प्रदेश में मेरा वीडियो सुनते ही अपने अपने जिले में, तहसील में, जहां भी आप पुलिस स्टेशन पर धरना कर सकते हो वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर देना है और करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के हैसियत से मैं सारे प्रदेश के लोगों को और सभी ऑफशूट संगठनों के लोगों को आदेश देता हूं कि ये उत्तर प्रदेश बंद किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ इसके विरोध में जिन लोगों ने ये बंदी का नोटिस निकाला है उसका नाम है विकास कुमार पांडे, जो विकास कुमार पांडे है सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर, इनके द्वारा ये नोटिस बंदी का निकाला गया है। इनको निलंबित करने की मांग संगठन के द्वारा की जाती है। दूसरा आनंद कुमार त्रिपाठी जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर है उनको भी निलंबित करने की मांग संगठन कर रहा है और रोहित तिवारी थाना प्रभारी गोविंद नगर थाना, इनको भी निलंबित करने की मांग संगठन के द्वारा की जा रही है। तो ये धरना प्रदर्शन में ये मांग होगी और वहीं पर धरना प्रदर्शन के लिए लोग बैठ जाए और कल राज्य भर में उत्तर प्रदेश का बंद होगा और 1 सितंबर को संविधान का उल्लंघन करने के विरोध में भारत बंद होगा। तो इस भारत बंद में ये संविधान का विरोध हो रहा है, संविधान के विरोध में षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए हमारे तमाम संगठन, सारे देश में जो जितने भी संगठन हैं, तमाम संगठन, इसके अलावा जो SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे देश भर में संगठन हैं, वो सारे संगठन भारत बंद में 1 तारीख को शामिल होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, ऐसा फौरी तौर पर किया जाए। इसके अलावा ये जो दुर्गामणि त्रिपाठी है जो ब्राह्मण महासभा के नाम पर हमारे विरोध में निवेदन दिया है, ये मूल रूप से आरएसएस का आदमी है। इस आरएसएस के आदमी ने दुर्गामणि तिवारी ने
ये निवेदन दिया है तो ये ब्राह्मण महासभा के नाम पर दिया है, मगर ये मूल रूप से आरएसएस का आदमी है। तो इसने अपने बयान में कहा कि कुछ हरिजन हमारे साथ भी है, तो वो हरिजन कोई और नहीं है, संगठन को तोड़फोड़ करने की साजिश करने वाले गद्दार लोग हैं, और इससे साबित होता है कि ये गद्दार आरएसएस के साथ मिले हुए हैं, और अब वो नंगे हो गए हैं, खुल्लम खुल्ला नंगे हो गए हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये आरएसएस के इशारे पर ये सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सारे देश के लोगों को 1 सितंबर को भारत बंद की तैयारी करने के लिए आज से ही मैं आदेश देता हूं, और तमाम संगठन के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। इसमें दूसरे हमारे संगठनाओं के अलावा दूसरे संगठनाओं के लोगों को भी शामिल कराया जाए। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो उस पर अमल करने का काम किया जाए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।